नमस्ते, स्वागत है आप सबका गोकुल में। और ये है हमारे नंद जी का, जहाँ पे मेरे पति राजा हैं। ये हमारा गांव है, ये है मेरा घर, और ये सारे छोटे छोटे घर है, ये गांव की गोरियाँ। जब भी मेरी गैया या मेरा लल्ला भाग जाता है ढूंढने के लिए, मैं इन्हीं सब घरों में जाती हूँ, ढूंढती हूँ, पूछती हूँ मेरा। हाँ, एक्चुअली ये मॉनसून की वजह से, बारिश की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट ये बहुत खूबसूरत है। अभी गिट्टी विट्टी भी डाली है क्योंकि पूरा मिट्टी था, बट बहुत सुंदर बनाया है। एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। जब मैं पहली बार आई थी, मैं ऐसे भावुक सी हो गई थी कि मेरा गांव है। और वो मंदिर बनाई है हमारे सेट पे, ये इन लोगों ने बनाया है, हमारे धनादिन धा अनिल और ये लोगों ने बनाया है। मेरा घर है, ये मेरे घर की सीढ़ियां हैं, वो देखिए वो बैलगाड़ी है, उस पर कुछ पुआल रखा है। गांव ही है एक्चुअली, पीछे नदी है, मंदिर से सनसेट दिखता है। एक्चुअली मंदिर का वो जो टिप है ना, आप देख सकते हैं, वो सूरज है, वो जब भी ढलता है ना, वो ऐसे नीचे आता है, और ये इतना खूबसूरत लगता है वो दृश्य, जब मंदिर के चोटी से ऐसे धूप ढलती है, सूरज देवता नीचे जाते हैं, अस्त होते हैं, और पीछे नदी है। तो एक्चुअली ये बहुत ही पीसफुल जगह है। अगर हमें थोड़ा समय मिलता है तो हम भागते हैं वहाँ पे नदी किनारे, ऐसे बैठते हैं, मंदिर में हवा आती है, बहुत खूबसूरत हवा आती है, और वहाँ बैठ के चाय वाय पीते हैं। क्या गोपी? गोपी फोन पे है। आधुनिक गोपी। ये हमारा पेड़ है जो हमारे सीजी वाले बाबा इसको अच्छा कर देते हैं। सीजी वाले जो हमारे बाबा है ना, उनको बहुत बृहद कर देते हैं, पेड़ को बहुत इनॉर्मस कर देते हैं। ये रोहिणी जीजी का घर है, जहाँ बलराम है, बलदाऊ मेरे लल्ला के, जो हमारे आंगन का है। या और ये मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही थी। हाँ, तो हमारा एक चंक चल रहा है अश्विन पूर्णिमा का, जहाँ पे कथा हो रही है, और मैं अपने बच्चे को लेके आती हूँ। बहुत मुश्किल से मनाते हैं वो लोग मुझे बाहर ले जाने के लिए, और मैं लेके आती हूँ उसको, और वहाँ पे एक अलग लीला होती है उसकी, आप देखिएगा। और वही चल रहा है, हमें डे 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 करके ख़त्म करना है। अभी आ जाएंगे अचानक से, मैम सनलाइट जा रही है, सनलाइट, तो वही सब चल रहा है। नदी का किनारा देखते, आ जाएगा, जब तक सेटिंग चल रही है तुरंत नदी का किनारा देख लेते हैं। ये देखिए सारे बच्चे इधर बैठ के खेल रहे हैं, अभी मटकी फोड़ दी जब मैया सो रही थी। यहाँ पे एक्चुअल में गाय बहुत हैं। यहाँ हमारे रास्ते में भी, हम जब घर जा रहे होते हैं रूम में, तो हर नाके पे देस गाय नाका है ना अतुल, हर जगह गैया रुकी रहती है, इतनी सारी आंख टम 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 टम। इसी नदी की बात कर रही थी मैं, ये नदी है, इस ये नदी एक्चुअली दूर तक जाती है। मैंने इस नदी में एक सीन भी किया है, पैर वैर धो रही हूँ और ये सब का सीन था। यही नदी है जो दूर तक जाती है, और यही नदी फिर जाके समंदर में मिल जाएगी, और वो समंदर चला जाएगा अरबिक, वो अरेबियन सी, वहाँ से हम लोग सीधा दुबई। अभी जब बारिश हो रही थी तेज, वलसाड़ का इलाका ये, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ये नदी ऑलमोस्ट सेट के लेवल तक आ गया था। यहाँ तक नहीं, ये जो एरिया है ना, ऑलमोस्ट यहाँ तक, वो जो बैरिकेडिंग है, ऑलमोस्ट वहाँ तक आ गई थी नदी। मतलब वो जो शूट का केओस होता है ना, उसको अचानक से सेटल कर देता है।
इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग दिस प्लेस. तो हम लोग यहीं पे चेयर वेयर लगा लेते हैं अगर समय होता है तो, और बैठ जाते हैं. आइए आम गांव, आइए कभी आओ आम गांव और आइए हमसे मिलिए, मज़ा आएगा. और आपको कैसा लगा हमारा गांव, हमारा सेट, हमारी नंदी, बताइए हमें. और देखते रहिए यशोमती मैया के नंदलाल. थैंक यू.